फाइनली गाड़ी कर दी यहाँ पार्क, और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हम मंदिर है यहाँ पे एक माता रानी का उस पर। तो भाई ये वृंदावन से थोड़ा सा ही दूर है, जब भी आप गोवर्धन के लिए जाएँ तो आके यहाँ पे घूम सकते हैं। माता रानी का वैष्णो देवी जैसा मंदिर है यहाँ पर, सेम पार्किंग भी है यहाँ पे अवेलेबल, इधर है पार्किंग, 40 रुपीज़ लेंगे आपको, और सामने मंदिर है तो हम चलते हैं सामने मंदिर में। भाई ब्रिजेश ले रहा है टिकट, टिकट घर से पूछ रहा है नंबर पता सब कुछ, सब कुछ पूछते हैं कितने भी लोग हैं वो बता देना, बाकी टिकट का कोई फीस नहीं फ्री है। यहाँ से जो प्रसाद मिलता है वो आपको लेना कंपलसरी है कि लेना, क्योंकि उसमें वो अपना कर लेते हैं जो भी करना होता है। अब यहाँ से लिया है 40 रुपीज़ का प्रसाद, जो आप लेंगे और आपको फिर मंदिर में चढ़ाना होगा और घर ले जाओ फिर वापस। हाँ घर खाओ, यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होगी लाइन पे आपकी, और आप चल दिए अब ऊपर की तरफ। ये माता रानी की मूर्ति बहुत बड़ी, काफ़ी बढ़िया गाइस, रियल और रियल लाइफ में आप देखो। सो गाइस ऊपर से आपने माता रानी दर्शन कर लेंगे, अब आए अंदर जो यहाँ पर माता रानी की मूर्ति रखी है, ये देखिए भाई कितनी सुंदर मूर्ति रख रखी है, सभी जय माता रानी लिख दो। तीनों पिंड रखे हैं माता रानी के, तीनों देवियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे, सब रख रखे हैं, और इसी के चारों ओर सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगा रखी है, देखिए सब मतलब एक एक करके सबकी लगा रखी हैं। ये हमारे हनुमान जी हुए, ऐसे मतलब आप देख रहे ना सारे हैं, सब जो भी है कृष्णा जी राधा रानी हुए। वीडियो लंबी जाएगी इसलिए एक एक करके दिखाया ना, थोड़ा बीच में छोड़ भी दिए हैं, बाकी और जब भी वृंदावन आओ इस यहाँ पर वृंदावन से 5 किलोमीटर हट गई है, और एक बार आप विजिट कर सकते हैं, कोई फीस नहीं कुछ नहीं है, आप अच्छा लगेगा। बस आपको 40 रुपीज़ का प्रसाद लेना पड़ेगा। हाँ वो तो ये मतलब कंपलसरी भी नहीं है, ले लो अच्छा है। आपने यहाँ का दर्शन करिए, अब यहाँ से निकल के अब चलाएंगे जो गुफा के अंदर, देखते हैं गुफा, वो गुफा के अंदर 9 देवियों की वो लगा रखी मूर्ति, ये देखिए एक एक करके, ये गणेश जी हुए, जय गणेश जी। और गुफा में ये देखिए गाइस, गुफा में अंधेरा रहता है, लाइटिंग रहती है, डर आपको लगेगा ना, क्योंकि बिकॉज आप देखोगे 4-5 महीने पहले, इससे आप जो वीडियो देख रहे हो उससे पहले इसमें पानी भी चल रहा था नीचे, लेकिन अब नहीं चलता, मैंने बताया था ब्रिजेश की पानी चल रहा है, लेकिन अब नहीं चलता पानी। और यहाँ से देखिए ऊपर आया था निकल के, इसकी चारों परिक्रमा करनी है हमें इसकी चारों तरफ से, और फिर एक बार फिर गुफा में अंदर जाना होगा हमें, यहाँ से देखिए परिक्रमा कर रहे हैं हम, और फिर एक बार फिर गुफा में अंदर जाते हैं। इसमें भी ऐसे दिखा रखा है पानी वानी तो कुछ है नहीं, कोई डरने वाली बात ही नहीं, जो आगे आंटी जा रही है पहले डर रही थी, तो ये हमने कहा चलो चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, ये थोड़ी सी दिखी थी कैमरे में, बाकी सीढ़ी वगैरह ऐसी नहीं कि फिसलन फिसलन नहीं रहती इन पर, पहले पानी था उस टाइम पर थोड़ी फिसलन थी, शायद पानी बंद कर दिया, शायद कुछ काम चल रहा है, काम चल रहा हो सकता है उस वजह से कर दिया, कोई भी इशू होगा भाई। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और गुफा में एकदम ठंडा ठंडा सा तो है, अब भी पानी नहीं है बस। हाँ ये तो आपको फ्री मिलेगा, अंधेरा होता है नॉर्मली, अपने हरी लाल ये लाइट लगा रखी है, इसे तो बढ़ जाए, पर सारी माता रानी जितने भी 9 रूप हैं सब सारे लगा रखे, एक एक करके सारा, ऐसा नहीं आपको मतलब फील हो के वो नहीं दिखा रहा, एक एक करके सारे देवी देवता मतलब ऑल काफ़ी सारे दिखा रखे हैं। तो आप कभी भी आए तो विजिट कर देंगे, ये देखो भैरव जी हैं, जय माता दी, और हम बाहर निकल चुके हैं। गाइस हमने खाए यहाँ पे गोलगप्पे, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस, यहाँ के देखिए कितने खा के 50 तो खा गया ये। फाइनली आ गए हम अपनी कार पे, अब हम जाएंगे अपने रूम पे और फिर कुछ खाएंगे, खाना वाना आपको दिखाते हैं जो भी होता है। खाना वाना खा के आ चुका रूम पे, अब टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है, तो हम जाएंगे वृंदावन परिक्रमा के लिए। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि ये हो जाएगा ब्लॉग ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सबके बाय।